जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। देश भर में आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहते हैं। बकरे या फिर अन्य किसी जानवर की कुर्बानी का है इस त्योहार में विशेष महत्व। जनपद जालौन की 106 मस्जिदों तथा 13 ईदगाहों में अदा की गई बकरीद की नमाज। सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों के पहुंचने का जारी रहा सिलसिला। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां एक ओर देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं जनपद जालौन की 106 मस्जिदों तथा 13 ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या अपडेट मिल रहा है? आज बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको ईद उल अजहा भी कहते हैं। ईद की नमाज के बाद बकरी या किसी अन्य जबरी जानवर की कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज जनपद जालौन की 106 मस्जिदों और 13 ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। बकरीद पर कुर्बानी का भी अपना एक खास महत्व है। कुर्बानी के बाद जो गोश्त निकाला जाता है उसके तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रखा जाता है और एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है जो खुद दान किया जाता है। इन तीन हिस्सों को सही से बांटने के बाद ही कुर्बानी का गोश्त जायज माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं की अगर हम माने तो इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में पिता बने थे। उनके बेटे का नाम इस्माइल था। इस्माइल के पिता हजरत इब्राहिम उनको बहुत प्यार करते थे। एक बार हजरत इब्राहिम को रात में ख्वाब आया कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है। इस्लामिक जानकार जानते थे कि हजरत इब्राहिम के लिए ये अल्लाह का हुक्म है और इसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने का फैसला किया। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह के हुक्म पर बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने से पहले हजरत इब्राहिम ने कड़ा फैसला करते हुए दिल पक्का करते हुए आंखों पर पट्टी बांधी और गर्दन पर छुरी रखकर जैसे ही चलाई वैसे ही अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे इस्माइल की जगह एक दुम्बा यानी बकरा आ गया और इब्राहिम की आंखों में जब पट्टी हटाएगी तो बेटे को सही सलामत पाया गया। उसी के बाद से ये बकरीद की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जायज है। मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, कुर्बानी अपने घरों में और जो जहाँ पर जगह मदरसे में है वहीं पर अंदर पर्दे में हॉल में करें। और कुर्बानी करने के बाद जानवर के जो शेष अवशेष बचते हैं उनको इधर उधर ना बहाएं और सड़कों पर नमाज ना पढ़ें और बड़े प्यार से जो है कल का है कि उस पर फेसबुक वगैरह पे कुर्बानी करते हुए और वो कुर्बानी का गोश्त काटते हुए ये कोई चीज़ ना डालें इसलिए। और जो जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।